बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा फार्मा बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7 है। टॉपिक ऑफ डिस्कशन हार्मोन्स है। हार्मोन्स की जो बेसिक डेफिनेशन है कि हार्मोन्स क्या होते हैं, ये वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं विच आर सिक्रेटेड इनटू द बॉडी फ्लूइड बाय वन सेल और अ ग्रुप ऑफ सेल एंड हैव फिजियोलॉजिकल कंट्रोल ऑन अदर सेल्स ऑफ द बॉडी। क्या है हार्मोन्स? आर दी डक्टलेस केमिकल सब्सटेंसेस। डक्टलेस का वर्ड क्यों यूज़ किया है कि हार्मोन्स जो हैं आपकी बॉडी में एक मतलब कि आपकी बॉडी में बहुत सारा कंट्रोल जो है वो हार्मोन्स के अंडर है। आपके बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, उसमें डिफरेंट हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं और ये डक्टलेस हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं? डक्टलेस होते हैं। ये नहीं होता कि आपकी बॉडी में सपोज़ करें उससे ब्रेन से एक मैसेज गया है कि एक हार्मोन रिलीज होना है, तो वो किसी वेन के, जैसे ब्लड है, ब्लड के लिए क्या रिक्वायर्ड है? ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड जो है वो आपका बॉडी में सर्कुलेट कर रहा होता है, लेकिन हार्मोन्स के लिए ऐसा नहीं है। हार्मोन्स जो हैं वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं एंड डक्टलेस वो होते हैं, जिसमें आपकी बॉडी के जो कि आपकी जो है ना सिंगल सेल से रिलीज़ होते हैं या ग्रुप ऑफ सेल से रिलीज़ होते हैं एंड दे प्ले वाइटल रोल इन द फिजियोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ द बॉडी। ये इनका आपकी जो बॉडी का फिजियोलॉजिकल कंट्रोल है उसमें बहुत बड़ा रोल है। एंडोक्राइनोलॉजी किससे निकला है? एंडोक्राइन से। एंडोक्राइन जो है एक ग्लैंड है जो कि आपके ब्रेन में मौजूद है और उस एंडोक्राइन ग्लैंड से कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो कि रिलीज़ होने के बाद आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन में शामिल होते हैं। ब्लड सर्कुलेशन में शामिल होने के बाद वो उनके जो टारगेट टिश्यूज़ हैं वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो एंडोक्राइनोलॉजी बेसिकली इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। दिस इज़ द साइंस कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स and the diagnosis and treatment of the disorder of the endocrine system। endocrinology पढ़ा था। endocrinology जो है वो branch of science है that deals with the function of the endocrine gland। आपकी जो body में endocrine gland मौजूद है उसके function और in the diagnosis of the disease concerned with the endocrine system। endocrinology में हम उन्हें डिसऑर्डर में बात करेंगे जो कि किसकी वजह से होती हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती हैं या इसकी ओवर सिक्रीशंस की वजह से हो सकती हैं। एंडोक्राइनोलॉजी। अब आ जाए इसके फंक्शंस ऑफ हार्मोन्स पे। सबसे पहले फंक्शन है कंट्रोल द इंटरनल एनवायरनमेंट। जो आपके हार्मोन्स हैं वो आपकी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट भी कंट्रोल कर रहे होते हैं, इसके साथ साथ आपकी बॉडी में ये रेगुलेट करते हैं कुछ केमिकल कंपोजिशन एंड द वॉल्यूम ऑफ द डिफरेंट हार्मोन्स। हार्मोन्स जो हैं उनका क्या रोल है कि वो आपकी वो कंट्रोल करते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट को। जैसे आपकी आपके जो हार्मोन्स हैं वो आपके, ये नहीं होता कि एक दफ़ा जैसे आपका ब्लड है, जैसे आप पानी पीते हैं, जैसे आप खुराक खाते हैं, इसी तरह से जितना इंसान जब तक जो है ज़िंदा रहता है उसके जो हार्मोन्स हैं स्पेसिफिकली ऐसे जो टारगेट टिश्यूज़ पे एक्ट करते हैं वो क्या रहते हैं, साथ साथ उनकी कंपोजिशन एंड वॉल्यूम क्या हो रहा होता है, मेंटेन हो रहा होता है। तो सबसे जो पहला पॉइंट मैंने कहा कि ये आपके इंटरनल एनवायरनमेंट को कंट्रोल करता है, इसके साथ साथ रेगुलेट करता है इट्स केमिकल कंपोजिशन एंड द वॉल्यूम। हार्मोन जो है उसकी अपनी केमिकल कंपोजिशन और वॉल्यूम को भी मेंटेन कर रहा होता है। जैसे अगर एक बच्चा है, बच्चा आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा होता है, तो हो क्या रहा होता है कि जो हार्मोन्स हैं आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स वो स्लोली स्लोली रिलीज हो रहे होते हैं, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद जो है ना उस हार्मोन्स की मिकदार क्या होती है, नॉर्मलाइज हो जाती है। क्योंकि ग्रोथ भी क्या होती है, एक सर्टेन एज तक होती है, उसके बाद जो ग्रोथ है वो क्या होती है, रुक जाती है। तो इसी तरह से ये कह रहे हैं कि आप उसके जो कंसर्न कंपोजिशन है
कंसंट्रेशन है वो भी मेंटेन रख रहे होते हैं और उसका वॉल्यूम भी। सेकंड है ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। इसमें जो है आपके जो हार्मोन्स हैं, मैंने बताया था कि ये डक्टलेस होते हैं। क्या होते हैं? डक्टलेस होते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि कोई नाली है उसमें जो है ना हार्मोन्स उस नाली के ज़रिए, जैसे जो है ना दिमाग से जो है ना हार्मोन रिलीज होना है और आपकी बॉडी में पाँव तक उसने पहुंचना है, तो वो ये नहीं है कि कोई ना वो बनी हुई है। ये क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है उसके थ्रू आपकी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं। थर्ड है प्ले अ की रोल ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जैसे कि ग्रोथ हार्मोन है वो क्या करता है, उसका की रोल है फॉर द ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट इन द ह्यूमन बॉडी। कॉन्ट्रीब्यूट टू द बेसिक पर्सनल रिप्रोडक्शन। इसी तरह से आपकी जो वो है, एक बच्चा है, एक बच्चे की जो पैदाइश होती है वो भी किसकी उसमें होती है, हार्मोन्स की वजह से ही हो रही होती है। कि एक बच्चा है वो पैदा होता है, उसकी वो पूरा प्रोसेस के उसके जो है ना बनने से लेके उसकी पैदाइश तक का प्रोसेस, इसमें क्या इन्वॉल्व है, आपके हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है। रेगुलेट मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी बैलेंस इन द बॉडी। इसके साथ साथ ये रेगुलेट करता है बॉडी का मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी। जैसे कि इंसुलिन इज ऑल्सो अ हार्मोन। इंसुलिन क्या है, हार्मोन है। तो इस तरह से आप जो भी खुराक वगैरह ले रहे होते हैं तो उसकी उसके नतीजे में जो एनर्जी आपको मिलती है, उस एनर्जी का जो है मेटाबॉलिज्म, वो सारा किसके कंट्रोल में, हार्मोन्स के कंट्रोल में है। अब टाइप्स ऑफ हार्मोन, एक होते हैं लोकल हार्मोन और एक होते हैं जनरल हार्मोन्स। लोकल से तो आपको समझ आ गया होगा कि वो जो आपकी बॉडी है वो लोकली जो है ना किसी, जैसे कोई बॉडी के पार्ट है लोकली वो रिलीज़ हुए, लोकल इफेक्ट की वजह से जो है ना वो जो है आपकी मतलब कि सर्कुलेशन में शामिल नहीं होते, लोकल जो एरिया है वहीं पे उसका इफेक्ट प्रोड्यूस होगा और फिर जो है वो आपकी पूरी ब्लड सर्कुलेशन में शामिल नहीं होते। जनरल हार्मोन्स वो होते हैं जो कि आपकी पूरी जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें शामिल हो जाते हैं। इसकी एग्जांपल कौन सी है, प्रोजेस्टेरोन है, ईस्ट्रोजिन है, ईस्ट्रोजिन है, प्रोजेस्टेरोन है, ACTH है, जो कि आपकी बॉडी में इन रिस्पॉन्स टू दी हार्मोन, हार्मोन वो जो आपका एंडोक्राइन ग्लैंड है उसके नतीजे में वो रिलीज़ होते हैं। रिलीज़ होने के बाद आपका जो टारगेट टिश्यू है वो वहाँ तक पहुँच, ब्लड सर्कुलेशन में शामिल होते हैं। ब्लड सर्कुलेशन में शामिल होने के बाद जो आपका टारगेट टिश्यू है वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं। अगर वहाँ तक वो पहुँच भी जाते हैं इसके बाद भी जो है ना उनका जो एक्शन है वो कम्प्लीट नहीं होता। हमारी बॉडी में दो तरह के हार्मोन्स भी रिलीज़ होते हैं। अगर वो रिलीज़ होने के बाद आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा बढ़ जाती है तो एक और रिस्पॉन्स आता है कि अब जो है ना इसकी जो रिलीज़ है वो क्या कर दिया जाए, इनहिबिट कर दिया जाए। एक होता है कि रिलीज़ होना और एक होता है इनहिबिट होना। इनहिबिट का मतलब ये है कि उस चीज़ को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, उस चीज़ को स्टॉप कर दिया जाए। तो जब आपकी बॉडी में जैसे अगर एक जो है आपके जो ये है टेस्टोस्टेरोन है और जैसे ईस्ट्रोजिन है, ईस्ट्रोजिन जो है वो किस करेक्टर्स को प्रमोट करता है, फीमेल्स करेक्टर्स को। तो अगर जो है आपके हार्मोन्स जो है वो दूसरी साइड पे दूसरे जो है ना अगर डिस्टर्ब हो जाए, ईस्ट्रोजिन जो है रिलीज नहीं हो रहा, तो उसको क्या कहते हैं हम, हार्मोन इम्बैलेंस। हार्मोन इम्बैलेंस इज द रिजल्ट ऑफ डिसफंक्शनिंग इन द एंडोक्राइन सिस्टम। ग्रोथ हार्मोन है, एक सर्टेन जो है ना ग्रोथ चाहिए होती है कि इतनी मिकदार में ग्रोथ हार्मोन का रिलीज़ होना बॉडी में ज़रूरी है। अगर अपनी नॉर्मल मिकदार से वो कम रिलीज़ होगा या फिर ज़्यादा रिलीज़ होगा तो वो किस में चला जाएगा, पैथोलॉजिकल स्टेट बन जाएगी ना, वो एंडोक्राइन डिसऑर्डर में चला जाएगा। तो इस तरह से जनरल जो आपके ये हैं जो जनरल हार्मोन्स हैं ये क्या करते हैं, अफेक्ट द बॉडी सेल फार अवे फ्रॉम देयर पॉइंट्स ऑफ सिक्रीशन। जनरल हार्मोन्स आपके उस बॉडी पार्ट्स को अफेक्ट करते हैं जो कि आपके वो आप रेफरेंस पॉइंट से दूर होते हैं। फ्यू जनरल हार्मोन अफेक्ट ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी सच एज ग्रोथ हार्मोन, थायरॉइड। अच्छा,
इसमें भी आपके दो तरह के हॉर्मोन्स आ जाते हैं, जनरल हॉर्मोन्स में भी। एक वो हॉर्मोन है जो कि आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेशन में शामिल हो जाते हैं, और एक वो होते हैं जो कि रिलीज तो आपकी आते तो वो आपकी ब्लड सर्कुलेशन में हैं रिलीज होने के बाद, लेकिन उनके कुछ टारगेट टिश्यूज़ होते हैं वो वहाँ पे जाके एक्ट करते हैं। जैसे कि जो आपके जनरल सर्कुलेशन में हासिल होते हैं वो चले जाते हैं, पूरी बॉडी में शामिल हो जाते हैं, वो कौन से हैं? ग्रोथ हॉर्मोन्स। वो क्या होंगे? क्योंकि आपका जो पूरा स्केलेटन है और पूरे मसल्स हैं वो उन सबकी ग्रोथ हो रही होती है, तो वो आपके पूरे ब्लड सर्कुलेशन में चले। इसके साथ साथ आपके हैं थायराइड हॉर्मोन्स। थायराइड हॉर्मोन्स भी कहाँ पे प्रेजेंट है? थायराइड हॉर्मोन लोकेशन क्या है थायराइड हॉर्मोन्स की? ये थायराइड हॉर्मोन्स भी आपकी पूरी ब्लड सर्कुलेशन में शामिल हो जाता है, लेकिन एंडोक्राइन से कुछ हॉर्मोन्स ऐसे भी रिलीज होते हैं जो कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन में शामिल होने के बाद वो अपने टारगेट पॉइंट तक पहुंचते हैं। उसकी एग्जांपल कौन सी है? ACTH, एस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरॉन। वो कौन से हॉर्मोन्स हैं? वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हॉर्मोन्स हैं, अफजाइश जो कि अफजाइश में हेल्प करते हैं वो वाले हॉर्मोन्स हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब आपने देखना है कि केमिकल कंपोजिशन जो है हॉर्मोन्स तो पढ़ लिया कि इनके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस क्या हैं, लेकिन केमिकल कंपोजिशन के बेस पे हॉर्मोन्स को फॉलोइंग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, पेप्टाइड्स, ग्लाइकोप्रोटीन, स्टेरॉइड, अमाइनो एसिड एंड द अमाइन। सबसे पहले पेप्टाइड हॉर्मोन्स, उसमें आपके पास एंटीरियर पिट्यूटरी हॉर्मोन, ग्रोथ हार्मोन ACTH, पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन ADH, ऑक्सीटोसिन, आइजेस ऑफ लैंगरहान, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमैटोस्टैटिन, पैराथायरॉइड हार्मोन्स, पैराथायरॉइड ग्लैंड से पैराथायरॉइड हार्मोन्स रिलीज होते हैं। और पैराथायरॉइड हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो किस में हेल्पफुल होते हैं? कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में, पैराथायरॉइड हार्मोन। इसी तरह से हार्मोन्स ऑफ GIT, सब्सटेंस पी, रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स ऑफ द हाइपोथैलेमस, रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन ऑफ द हाइपोथैलेमस। आपका जो हाइपोथैलेमस है वो क्या करता है? अगर आपकी बॉडी में किसी हार्मोन की मिकदार ज़्यादा हो जाती है तो हाइपोथैलेमस से जो है ना एक हार्मोन रिलीज होता है, जैसे ग्रोथ हार्मोन। अब इसकी मिकदार ब्लड में जो है ना वो काफ़ी रिलीज हो गई है। एक सर्टेन टाइम के बाद आपके ब्लड में मिकदार जो है इससे ज़्यादा रिलीज नहीं होनी चाहिए, एक प्रॉपर उनकी कंसंट्रेशन मौजूद है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो फिर हाइपोथैलेमस से पैगाम आता है ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन। ठीक है? और अगर कमी होती है तो क्या होता है? ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन। ये इसलिए इसका मतलब ये है रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हॉर्मोन्स ऑफ द हाइपोथैलेमस, वो भी क्या होते हैं? पेप्टाइड इन नेचर होते हैं। इसी तरह से ओवरीज से रिलैक्सन रिलीज होता है, ग्लाइकोप्रोटीन में HCG, TSH, LH, इरिथ्रोपोइटिन। दिस इज अ सिंपल क्लासिफिकेशन, यू हैव टू कीप रिमेंबर द नेम्स ऑफ दिस हॉर्मोन्स। सो ये जनरल क्लासिफिकेशन है और इससे ज़्यादा आप डीप में ना जाइए। व्हेन वी विल स्टडी वन बाय वन हार्मोन, उसमें जो है ना आपको ज़्यादा तफसील और उसका ना पता चल जाएगा कि क्या उसका एक्शन है, वो कहाँ से रिलीज होता है, उसके क्या फंक्शंस हैं। स्टेरॉइड हार्मोन, स्टेरॉइड जैसे कि नाम से जाहिर है ये कौन से हैं? कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव। ये क्या होंगे? फैटी इन नेचर होंगे नंबर वन, और वाटर इनसोल्यूबल होंगे। इसलिए केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे इसको किस में रखा गया है? स्टेरॉइड में। स्टेरॉइड इन नेचर जो हॉर्मोन्स जो कि फैटी इन नेचर होते हैं वो वाले हॉर्मोन्स कौन से होंगे? एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स कहाँ मौजूद है आपके? गुर्दे से रिलीज होता है, गुर्दे में मौजूद है ये ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड से जो कि गुर्दे में मौजूद है आपके, गुर्दे के ऊपर मौजूद है ये हॉर्मोन,
उसमें एड्रिनल कॉर्टेक्स पाए जाते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स से आपके एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिजोल, एड्रिनल, एंड्रोजेंस। इसके बाद ओवेरियन से, ओवरीज से ईस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है। एंड टेस्टिस से आपका टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है। अमाइनो एसिड्स से हैं उस, वो कौन से हैं? टायरोसिन डेरिवेटिव। अमाइनो एसिड्स आर कॉल्ड द टायरोसिन डेरिवेटिव। इसमें थायराइड ग्लैंड है, T3 एंड द T4। अमाइंस, अमाइंस में टायरोसिन डेरिवेटिव, एसिटाइल कोलिन, एपिनेफ्रिन, नोरएपिनेफ्रिन एंड द मेलाटोनिन। इट वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर एंड इट वाज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीज एंड एक्शन ऑफ हार्मोन्स। कि अगर वो लोकली रिलीज होते हैं तो उनका लोकल इफेक्ट आता है, लेकिन अगर ब्लड सर्कुलेशन में रिलीज होते हैं तो भी दो डिविजन्स हैं उसकी। वो कौन सी हैं? एक तो पूरे ब्लड सर्कुलेशन में शामिल हो जाना और फिर ब्लड सर्कुलेशन में शामिल होकर अगेन एक टारगेट ऑर्गन है वहाँ तक पहुँचना। तो ये आपकी हार्मोन्स की क्लास।